हेलो गाइस, हेलो, सत श्री अकाल एवरीवन। मैं हाय गाइस ब्रो। सो गाइस, अनदर डे अनदर वीडियो। आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है हमारे लिए एंड दैट इज ऑल अबाउट अर्थ डे इन नोवोटेल। यस, सो मेहर के लिए हम लोगों ने प्लान किया बिकॉज शी इज इन लव विद स्विमिंग पूल। समर भी है एंड काफ़ी दिन से बोल रही थी कि मुझे स्विमिंग पूल जाना है, हमको बिग स्विमिंग पूल लेके जाओ, बिग स्विमिंग पूल लेके जाओ। मैंने अपन कहाँ जा रहे हैं? हाँ, सुबह से यही बोल रही कि हम लोग स्विमिंग पूल वाले रूम जा रहे हैं। यस, एंड एक्चुअली का ऑलमोस्ट 10-15 डेज से कंटिन्यूस डेली बाथ टब में बैठ रही है। बट उतना एंजॉय कहाँ कर सकती है बाथ टब में वो। सो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं नोवोटेल। मुझे क्रेडिट कार्ड से ऑफर मिला था मेरे, कुछ डिस्काउंट एंड ऑल, वो सब मैं डिटेल बताता हूँ। अभी हम लोग निकलते हैं, फटाफट वहाँ जाके चेक इन करना है। वैसे देर आर टू नोवोटेल्स इन हैदराबाद, बट हम जा रहे हैं नोवोटेल कन्वेंशन सेंटर इन गचीवाली, जो कि 15 एकर्स पूरे उसमें बना हुआ है वो, और ग्राउंडेड है 287 रूम्स के साथ। बहुत ही लग्जूरियस होटल है, आप विजिट कर सकते हो, स्पेशली वेडिंग्स एंड ट्रैवलर्स एंड मीटिंग्स के लिए बहुत ही फेमस होटल है। बेसिकली वो हम लोगों ने इसीलिए चूज़ किया, मुझे काफ़ी ऑप्शंस मिले थे, बट वहाँ पे कन्वेंशन सेंटर पे आई हैव प्लेग्राउंड फॉर में है, वहाँ पे साइकिलिंग है, वहाँ पे यू नो राइड्स है, जो अपने सीसॉ वगैरह होते थे बचपन के वो सब है, स्विमिंग पूल फॉर स्पेसिफिकली किड्स का अलग है। यस, एंड बिग, जैसा रिमो ने बताया 15 एकर्स में स्प्रेड आउट है, तो इट्स अ ह्यूज प्रॉपर्टी, ह्यूज। तो हम लोग वहीं जाके एंजॉय करते हैं। काफी टाइम से कहीं गए भी नहीं, मतलब पीसफुल लगेगा, थोड़ा सा दूर जाएंगे कहीं और बाहर। पीसफुल तो नहीं, महर है तो हम पीसफुल तो रहेंगे नहीं, मस्ती 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 वो बैठती नहीं है, तो उसके साथ हम भी एंजॉय करेंगे। पीसफुल तो रहेंगे क्योंकि कहीं यहां माइंड पीसफुल रहेगा, बॉडी नहीं, क्योंकि बैठने देगी नहीं है। देखो देखो, ये तो कभी हम पीसफुल रहते हैं। शीज ईगर, जाना है उसको, हो गया नहीं हुआ अभी, बात कर रहे ना भैया सबको, निकलते हैं, बाकी बातें होटल जाके करते हैं। कैमरा पे हाय फाइव। चल मैन, हाउ आर यू फीलिंग? हाउ आर यू फीलिंग? वंडरफुल वंडरफुल, ये हाय फाइव। शी इज एंजॉयिंग, वो बहुत एक्साइटेड है, तो अभी बस वेट कर रहा हूं रिमो का पार्किंग में। एज सून एज शी कम्स विल लीव एंड वहां जाके आपको बता देंगे। Heading towards room. हम रूम में जा रहे हैं हमारे चेक इन करने। आपका गुड नेम? इंद्रसेन इज हेल्पिंग अस फॉर द रूम। मैं चलो हमारा रूम नंबर इज 315, वेरी बिग लॉबी, ब्यूटीफुल। इज इट नाइस बेबी? ब्यूटीफुल। आप सरप्राइज दिखा रहे?
आजाओ, थ्री टू वन, इधर आओ, कम हियर कम हियर कम हियर, आइज क्लोज, ये देखो I love you, baby. I love you. आपको ये रूम बुकलेट एक की ऑलरेडी लगा है, तो मैं जस्ट रूम दिखाने के लिए आपको बाहर वेट कर रहा हूँ, अनदर की अभी रूम चेक इन कर दिखाता हूँ मैं आपको. Open now. Wow. This is beautiful. तो देखिए एंटर करते ही सबसे पहले लेफ्ट में है मिरर, आप देख सकते हो, इट्स अ बिग मिरर, पूरा आपको रेडी होने के लिए, आई मीन टू गेट एवरीथिंग यू हैव फुल साइज मिरर. एंड ऑन योर राइट वी हैव वार्डरोब्स, टू वार्डरोब्स, आयरन मिला है, दे हैव आल्सो प्रोवाइडेड द आयरन स्टैंड, एक्स्ट्रा पिलो, a safe which is very needed, and this is laundry bag I guess, and some storage space, nothing more. Then ha guys, chote se cheez batana bhul gaya, ek acha sa refrigerator mila hai with all the stuffs filled, and I don't know iska charges rahega nahi rahega, wo mai pata kar leta hu, but I guess iska charges rahega jo aap kiyoge, but it's good, wonderful. गाइस हाँ, एक और चीज़ जो मैं भूल गया, इतने सारे आइटम्स है, हर चीज़ बताना कभी ना कभी भूल जाते हैं. केटल मिला है टी कॉफ़ी बनाने के लिए, एंड ऑल द स्टफ टू मेक टी कॉफ़ी एंड वॉट एवर यू वुड लव टू हैव, जो भी अवेलेबल है, जैसे मुझे काफ़ी लग्जरी टी एंड कॉफ़ी, इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी, यू हैव मसाला टी एंड कॉफीज, कॉफी कॉफी इंस्टेंट कॉफी, ओके स्लीपी आउट, एंड ब्राउन शुगर, वाइट शुगर एंड ऑल, एंड दिस इज आई गेस क्या लिख रहा है, perfect. Okay, this is milk powder. Done. On the left, washroom. Washroom. And this is Mehar's bathtub. बहुत एक्साइटेड है बाथटब के लिए मैं, तो इसीलिए हम लोगों ने बाथटब वाला रूम चूज किया जो अपर फ्लोर्स में ही है, पूरे फ्लोर्स में नहीं है. That is why we have chosen this floor. And यहाँ पे you get this hair dryer. Which looks premium actually. Yes. And all the washroom needs, sanitaries, hand wash, body lotion, you get everything. Yeah, mirror, just check. Okay, so we get a huge TV from LG, and I guess सेटअप बॉक्स भी लगा है विच इज NXT डिजिटल, आई डोंट नो वॉट एग्जैक्टली दैट थिंग इज. तो ये है हमारा बेड, एंड दिस इज अ सी थ्रू मिरर, सी थ्रू ग्लास जो वॉशरूम से कनेक्टेड है, एंड दिस इज आवर बेड जो हम को शायद थोड़ा छोटा लगने वाला है बिकॉज महर एंड रिमूव ऑक्यूपाई कर लेंगे, शायद मुझे एक्स्ट्रा बेड लेके यहाँ रहना पड़ेगा, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. एंड एक थोड़ा सा लॉन चेयर मिला है छोटा सा, which is good, not chota, sorry, it is a good lawn chair with a small table to put your legs on, a study desk jahan pe main kuch kaam nahi karne wala hu ek din ke liye, I'll be just enjoying today. And dekhiye kitna pyara lag raha hai room yaar, beautiful na, spacious, very spacious, kaafi space hai, hamara bag aa chuka hai uske baad bhi utna space wahan pe hai, we have a table there to have food. एंड देखिए उसके बाद भी मेरे पास कितना स्पेस है, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द रूम इज द व्यू. वाओ, ये व्यू के लिए हम लोगों ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया एट रिसेप्शन पे, एंड दे हैव गिवन अस, और मेंबरशिप के वजह से हमें ये वाउचर मिला जो हम स्पा में यूज कर सकते हैं, एंड हमें मिला हमको एक फॉर थ्री पीपल दे हैव गिवन अस वेलकम ड्रिंक फॉर फ्री, जो यूजुअली नहीं होता है फाइव स्टार में, बट दे हैव गिवन अस. एंड हाँ, वन मोर थिंग मैं आपको दिखाना भूल गया, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, वो देखो गाइस,
मेरे का प्ले एरिया. शी विल बी वेरी एक्साइटेड टू प्ले देयर. तो भाई अभी आ गए हैं, थोड़ा लंच वंच कर लेते हैं, कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, फ्रेश हो, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं. बहुत धूप है, अभी जाना तो कोई मतलब नहीं है बाहर, इवनिंग में जाते हैं. तो अभी लंच वगैरह करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं. एंड लंच अगर कुछ अच्छा मंगाते हैं तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं. रिमो बट ये अब हाँ. एंड हमें काफ़ी टाइम हम लोगों ने ट्राई किया बट ऐसा होटल मिला नहीं, बहुत रेयरली या मिलता था, वो अलग व्यू आता था. अब मैं एंजॉय करेंगी और अपनी आराम करेंगे. मैं कम सुन, जल्दी आओ. एक्सक्यूज मी मैं जल्दी आओ. वो देखो देखो क्या है, स्लाइडिंग. दिखा स्लाइडिंग आपको? ओके बेटे. यस एक्चुअली हमने उनको रिक्वेस्ट किए कि आई नीड रूम विद व्यू ऑफ स्विमिंग पूल. सो दे ऑफर्ड, क्योंकि हमारा मेंबरशिप था, सो दे ऑफर्ड अस अ रूम. दे अपग्रेडेड अवर रूम टू द अपर फ्लोर. हम लोगों ने सुपीरियर लिया, स्टैंडर्ड लिया था, बट दे हैव गिवन अस अ सुपीरियर रूम. सुपीरियर रूम दिया उन्होंने एंड कॉम्प्लीमेंट्री शूज, आई मीन वेलकम ड्रिंक 3, 1 फॉर द किड, 2 फॉर द अस. एंड फिर रूम विथ दी स्विमिंग पूल वो भी व्यू भी अपग्रेड कर दिया उन्होंने. ओ मेरी बेटी, कर रहे शावर है वो. शी फील्स लाइक दैट इज शावर, बट लुक एट हर यू नो माइंड. वो चीज को उसने कैसे डेवलप कर ली कि शावर ही वैसे शावर हो सकता है. एग्जैक्टली. चलो गाइस अभी थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा फूड, बहुत भूख लगी है ना. जूस वगैरह हम ऑर्डर करते हैं पहले, फ्री वाला, इंडियन है ना, फ्री वाला तो ऑर्डर करेंगे. एंड बाकी बातें बात. तो गाइस थोड़ा सा टाइम हो गया है, अभी देखिए इट्स ऑलरेडी 2. हम लोग चेक इन करके 1 आवर हो गया, थोड़ा सा जस्ट रिलैक्स किए. थोड़ा सा हमने रिलैक्स करने का क्या सोचा और मेहर ने कर लिया पॉटी. तो अभी मेहर को हम लोगों ने अच्छे से फ्रेश कराए थे, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि अभी उसमें फ्रेश हो गए मेहर. तो अभी हम लोग नीचे उसको गेम्स वगैरह खेलने लेके जा सकते हैं, स्विमिंग करा सकते हैं, एंड दैट इज़ ग्रेट. तो अभी देखो हमें हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जूसेस भी आ गए. सॉरी नॉट मिल्कशेक बट जूसेस. मेहर व्हिच वन यू वांट? यू वांट वाटरमेलन. This is yours, watermelon. Yes. I'll give you a straw. Wait a second. Hamara to orange juice hai. Mera blue lagoon. I'll taste. Baba, tumko ye lagoon hai? Haan, tumko ye lagoon hai kati. Kaisa bolta mera bachcha? To ji, hum dekhiye, soch rahe the ki lunch mangwa le kahin se bahar se, kyunki Novotel thoda expensive hai. Kyun 2-3 thousand rupaye khane mein waste kare? Mere paas voucher bhi hai discount ke, but kyun utna waste karna hai? देन आई थॉट कि यार चलो खा ही लेते, क्या कितना खाना है, एक खा दो कुछ समथिंग खा लेते, क्योंकि ज़्यादा खाना नहीं है. बिकॉज यू हैव टू एन्जॉय, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, एक्सप्लोर करना है, आपके साथ शेयर करना है. देखिए इट्स अ बिग बिग प्रॉपर्टी. नीचे बहुत प्यारा ये रिमो देखिए, आई मीन नीचे कितना अच्छा सा ये लगा है सेटअप फॉर द लंच और डिनर. आई गेस इवनिंग में डिनर वहाँ करेंगे, विल एन्जॉय. हम लोग जूस वगैरह पी के नीचे लंच करने जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे. आप लोगों ने देखा हम लोग फूड एक्सचेंज में आ गए, विच इज एन रेस्टोरेंट, सब टाइप ऑफ रेस्टोरेंट हियर इन नोवोटेल. सो अभी देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं एंड खाना आने के बाद आपको बताते हैं. मतलब प्राइसेस आर रियली नॉमिनल, मुझे लग रहा था काफ़ी एक्सपेंसिव होगा बट ठीक है. मुर्ग के पच्चे फॉर 750 और पूरी भाजी वगैरह भी है,
550 इज फाइन यार, उतना तो फाइव स्टार होने का भी लोग पोर्ट करेंगे ही, दैट इज फाइन। चलो कि देखते क्या ऑर्डर करते हैं। तो गाइस हम लोगों ने ऑर्डर किया है, रिमो ने ऑर्डर किया है चिली मशरूम, मैं तो नहीं खाने वाला चिली मशरूम। आई ऑर्डर माई फॉर माई सेल्फ छोले भटूरे। यार छोले भटूरे खाने का मज़ा ही कुछ और है, फाइव स्टार में खाने का तो और डबल है। पता नहीं टेस्ट कैसा मिलेगा, क्योंकि छोले भटूरे के लिए वो माइंडसेट दूसरा ही है ना, दिल्ली वाला मस्त चटपटा वाला। तो लेट्स सी, कोई बात नहीं, अभी हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है एंड स्टार्टिंग में वो लोगों ने हमें सर्व किया है दिस थिंग कॉम्प्लीमेंट्री पापड़, एंड उन्होंने ऑलरेडी मिंट चटनी दे के गए। सो वी आर वेटिंग फॉर आवर फूड, एंड फूड आने के बाद खाने के बाद आपसे बात करते हैं, क्योंकि बहुत भूख लगी है। फटाफट पहले प्लेट साफ करते हैं फिर आपसे बात। एम्बियंस की अगर मैं बात करूँ तो वेरी ब्यूटीफुल लग्जरी एम्बियंस है, पिछले आप देख सकते, मैंने जैसे बताया परफेक्ट सेटिंग विथ कम्फर्टेबल सीट्स, कुशन वाले सीट्स हैं, एंड जहाँ रीमो बैठी है सी रीमो एंड मैर जहाँ बैठे हैं बाजार अगेन काउचेस जो फिटेड है। ये बैकग्राउंड बहुत प्यारा लग रहा है मुझे, हाँ वो लुक बहुत प्यारा बैकग्राउंड लग रहा है। एंड ऑन टेबल उन लोगों ने व्हाट फ्लावर इज दिस रिमो, लोटस, हमें नहीं पता लोटस लग रहा था, पता नहीं लोटस नहीं पता नहीं लग रहा था। एंड पेपर एंड सॉल्ट है, नॉर्मल वाटर बॉटल, एंड यस नॉट मच मैच चल रहा है यहाँ पे। सर दिस इज श्री हरी जी, थैंक यू फॉर द स्वीट्स, वेलकम सर। मेयर को श्री हरी भैया ने लॉट्स ऑफ स्वीट्स ला के दिए विद आइसक्रीम, मैं शो योर आइसक्रीम, आपकी आइसक्रीम बताओ, वाओ दैट्स ब्यूटीफुल, एंड सम दिस आर वेरी ब्यूटीफुल स्वीट्स। और ये इंडियन स्वीट्स लग रही है वो देखो, सम कलाकंद जो भी है, बट अच्छा लग रहा है। तो गाइस इवनिंग में हम यहाँ बुफे करेंगे, अब जो बुफे इवनिंग में करेंगे वो आपको बाद में बताते हैं, इवनिंग में बताएंगे। ये भी एक आई गेस एक्सटेंडेड सेटिंग है, विच इज़ अगेन वेरी ब्यूटीफुल फैमिली सेक्शन लग रहा है, काइंड ऑफ ज़्यादा एक्सटेंडेड। चलो अभी हाँ ये सो अभी इवनिंग में बताएंगे, बिकॉज जब खाएंगे तो भी मज़ा आई मीन अच्छा रहेगा। चलो लेट्स गो मैन। तो गाइस मैं प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कर रहा था एंड आप लोग के साथ भी शेयर कर रहा था। हम लोग लंच करने के बाद बाहर जब जैसे एंटर किए एक्सिट किए तो ये प्लेग्राउंड था एंड यहीं पे बना था बार, जहाँ पे शायद इवनिंग से बार स्टार्ट होगा। बहुत अच्छा लग रहा था यार, ये इवनिंग में यहाँ डिनर करने का मज़ा ही कुछ और होगा, बट हम फैमिली के साथ थे एंड बार सेक्शन में तो नॉट पॉसिबल। कि यहाँ पे अपोजिट में मैंने देखा एक छोटा टी स्टॉल जैसा लगा था इन्हीं का, एंड काफ़ी सारी वेराइटीज़ ऑफ टीज एंड कॉफ़ीज़ वगैरह मिल रहे थे जो हम लोगों ने ट्राई नहीं किए, बट देख के अच्छा लग रहा था। और फिर हम लोग मेहर को लेके चले गए किड्स एरिया पे, जहाँ पे मेहर को स्लाइडिंग भी करना था, ट्रैम्पोलिन पे भी खेलना था, साइकिलिंग भी करना था, एंड हम फिर उसके साथ एंजॉय करने चले गए। चलो मजा आ रहा कहते फिर से चलो Yeah.
आप कहाँ जा रहे हो? हो गई, she's bored. So guys, ये है kids play area and यहाँ पे हर एज ग्रुप के लिए साइकिल्स रखी हुई थी एंड यहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक भी बना था जहाँ पे किड्स एंजॉय कर सकते। मैं एक्सप्लोर कर ही रहा था और आपको दिखा ही रहा था पूरा ये गेम जोन है। उतना ऑप्शंस नहीं है किड्स के लिए पर हाँ किड्स विल एंजॉय। साइकिलिंग है, स्लाइड्स जो सेक्शन था स्लाइड्स का वो है तो वो लोग एंजॉय करेंगे। और यहाँ पे पीछे आप देख रहे हो दिस इज देयर कन्वेंशन सेंटर। यहाँ पे यू कैन होस्ट योर वेडिंग, एनी एनिवर्सरी फंक्शन, एनी काइंड ऑफ यू नो फंक्शन यू कैन होस्ट हियर एंड बिग बिग प्लेस। और मैं जैसे जैसे एक्सप्लोर कर ही रहा था यहाँ पे मुझे फिर एक हिडन चीज़ मिल गई। ही गाइस व्हाट हैव आई फाउंड, अ लेक राइट बिसाइड द होटल। बट हाँ कितनी बड़ी लेक है यार ये देखो। अच्छा यार लोकेशन तो माइंड ब्लोइंग है और एंजॉय एंड यू नो रिलैक्स करने के लिए बहुत परफेक्ट लोकेशन है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और आज वेदर भी इतना प्यारा है एंड इसीलिए इतना अच्छा लग रहा है हम लोगों को। धूप नहीं है तो मेयर भी इंजॉय कर रही है, हम लोगों को भी वहाँ पे साथ में उसके साथ इंजॉय करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है जस्ट बिकॉज सब क्लाउड्स है, नो सन रेज, नो ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर भी ज़्यादा कुछ नहीं है। वैसे तो 37 डिग्रीज बता रहा है बट वी आर नॉट फीलिंग दैट काइंड ऑफ टेम्परेचर। हमें अच्छा लग रहा है सो वी आर एंजॉइंग विथ मेहर। रिमू कंटिन्यूज मेहर की वीडियोस ले रही है। गाइज ये है स्विमिंग पूल, आई गेस वहाँ पे होगा चेंजिंग रूम एंड ऑल। तो अभी हम थोड़ी देर में आएंगे क्योंकि अभी थोड़ी धूप आ गई है तो अभी आना अच्छा नहीं लग रहा है। एंड यहाँ पे बहुत प्यारा वाटर फाउंटेन लगा है। जैसे मैंने कहा था पूल साइड रेस्टोरेंट भी है, कुछ अच्छी सेटिंग भी है, पार्टी एंड ऑल जैसे। यहाँ पे फूड लगा है पूल पे एंड देन ये देखिए यहाँ पे यू कैन सी स्नूकर टेबल भी लगा है। मेरे पीछे है एग्जैक्टली लॉक एंटीना। दिस इज़ अ कम्प्लीटली बार, जिसको बार वगैरह का यू नो शौक है तो यू हैव वेरी गुड ऑप्शन। एंड वहाँ पे मैंने जो दिखाया था ओपन बार है वो, वहाँ पे शायद सभी वैरायटी नहीं है बट हाँ इधर काफ़ी वैरायटी है। दिस इज किड्स पूल, किड्स के लिए राइड है वो एडल्ट पूल। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे शावर भी है एंड आई डोंट नो चेंजिंग रूम है नहीं, मुझे लगा था होगा जो भी है देखते हैं, अभी मैं पूछ लेता एक बार। आई डोंट थिंक चेंजिंग रूम होगा यहाँ पे। चलो अभी जाते हैं फ्रेश होकर आते हैं। स्विमिंग ड्रेस पहन के स्विमिंग जाना है।